फ्रेंड्स, वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जोधपुर का राव जोधा रॉक गार्डन। जी हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, कम लोगों को पता है, इसलिए हमने व्लॉग आपके लिए कवर किया है। तो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल मेमोरीज। वेलकम टू तड़का विद स्टाइल। और आज हम आए हैं राव जोधा पार्क जोधपुर। तो संडे है, मौसम भी बढ़िया है, तो चलिए देखते हैं अंदर। हाय भाभी, चले। तो यही हमारी गाइड है आज के लिए, चलते हैं अंदर। तो ये है इसकी एंट्रेंस, मौन सर्व कथनम। गलत आ गई क्या? ये मंदिर है। चलिए दूसरी साइड से चलते हैं। ओके, तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस। देखिए संडे है तो काफी लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये हो रहा है फोटो सेशन, हम भी खिंचाएंगे अभी, चलते हैं अंदर। और यहाँ बहुत सारे जोधपुर के फेमस स्टोन्स हैं, तो आपको बताइए जोधपुर इज़ फेमस फॉर स्टोन्स। और यहाँ लिखा है इनके बारे में, रायोलाइट पोर्फायरी पोर्फायरी वेल्डेड टफ। सो डिफरेंट स्टोन्स, रियली हिस्टोरिक। सो हेलो भैया, हम यहाँ आए हैं फर्स्ट टाइम राव जोधा पार्क में, तो कुछ बताइए इसके बारे में। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो नेटिव स्पीसीज जो प्लांट है वो लगा के पूरा रिवाइल, जैसे जंगल होता है ना वैसे क्रिएट कर रहे हैं। जिनको प्लांट्स में, व्यूज में, रॉक्स में या नेचर में इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। दूसरी चीज, एरिया काफी बड़ा है, टोटली 70 एकड़ लैंड है। तो इसको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रेल्स, डिफरेंट रूट्स में इसको डिवाइड करके पूरा जंगल जैसा क्रिएट किया हुआ है। जो काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है, जिनको बर्ड्स में या जिनको नेचर से जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। जिनका टाइमिंग जो है ये मॉर्निंग 8 to evening 5:30 ये है जो विंटर्स का, और समर का एक डिफरेंट टाइम है। ओपन जब होता है उससे पहले भी आप लोग पहले आके अपना जो, अगर आपका नेचुरलिस्ट के साथ में गाइडेड टूर बुक करना चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं। नेचुरलिस्ट के साथ में भी अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं और बिफोर जो टाइमिंग है उससे। सो वेरी नाइस। और इसका एड्रेस भी बता दीजिए भैया। ये मेहरानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल पास में है, विद इन 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस। ओके, और राव जोधा इसका नाम, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। डेजर्ट रॉक पार्क। सो गाइस, मैं भी पहली बार आई हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। भैया आपका नाम? मेरा नाम विक्रम सिंह। थैंक यू विक्रम सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। सो गाइस, जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन में पता चला है कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस और पिक्चरस्क यहाँ की सारी सीनिक ब्यूटी होने वाली है, तो चलते हैं अंदर। और मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट फ्री, तो एंट्री है यहाँ पे 100 rupees। सो जैसा कि उन्होंने बताया, लगता है कि इट्स वर्थ इट, तो ज़रूर से विजिट करिएगा राव जोधा मेमोरियल पार्क जोधपुर। और ये देखिए, सो दिन के बजे अभी 1 और चलते हैं अंदर। और बकायदा मैप है जो उन्होंने दिया है कि जिस तरह आपको रूट फॉलो करना है, और सभी जगह स्टोन्स और इनकी इंफॉर्मेशन। तो यस, अगर आप आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट रखते हैं तो इट्स गुड टू विजिट हियर, तो आइएगा, प्लान बनाइएगा। सो यहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं ताकि आप गुम नहीं जाएं, जैसा कि उन्होंने बताया इट्स अ वेरी लार्ज एरिया आउट हियर। और सबको मुझे लगता है इस बारे में पता नहीं है गाइस, क्योंकि मैं भी 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ, बट इस गार्डन के बारे में मैंने नाम भी नहीं सुना था, तो इसलिए व्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस, आज के जो हमारे गाइड है वो ये दोनों, नितिन एंड मिस्टर राहुल, तो आप ये सही से गाइड कर पाएंगे? आप भी खो जाएंगे? बिल्कुल। क्या खो जाएंगे? हम भी खो जाएंगे। तो देखिए, आपका एंटरटेनमेंट भी होने वाला है। कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए ना? हाँ सही है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ अंदर चलते हैं, पर मैप ले ही लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स मूव इनसाइड। का सदुपयोग हो ही रहा है। हाँ, सेल्फी स्टिक पहली बार निकाली। सो रास्ता बहुत ऊपर नीचे है, सो बी केयरफुल। सो गाइस, जो रास्ता भी है वो बहुत ही पथरीला है। मिलेंगे यहाँ तुम्हें, अरे ये भी मिलेगी। फिलहाल तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिला। ये छिपकलियाँ रहती है। ओके, तो इतने बड़े गार्डन में कहाँ छिपकली ढूंढोगे तुम? सांप भी मिल सकता है यहाँ। बहुत बढ़िया। हाँ भैया, धूप तेज है तो देखिए, तो बहुत ही एडवेंचरस ये सारा सीन मुझे लग रहा है। देखिए, और
तो जगह जगह आप स्नैप्स क्लिक कर सकते हैं और डाल सकते हैं अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो ब्यूटीफुल प्लेसेस टू क्लिक स्नैप्स। और यहाँ फोटो सेशन शुरू हो चुका है, देखिए मेरा वेट भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। और अब चलते हैं इस तरफ। तो गाइज अंधेरे में तो ये नहीं घूमा जा सकता, धूप तो तेज है, कोशिश करेंगे कैप्चर करने की। एंड वाओ, लो सामने खड़े हो, देखो देखो इधर, सामने देखो। और अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर और फिर देखेंगे कि वहां पर क्या क्या सरप्राइजेज हैं। तो चलिए, उससे पहले नितिन की एक फोटो हो जाए, सामने खड़े हो। सो इधर नितिन का अलग से ही व्लॉग चल रहा है, तो सेल्फी स्टिक इनको आज हाथ लग गई है, इस चक्कर में ये भी वाओ वाओ करते हुए जा रहे हैं। तो एंजॉय दिस एंजॉयमेंट ओनली इज अवेलेबल ओनली ऑन तड़का विद स्टाइल। आ जाइए आप लोग, अच्छा इधर फोटोज खींचिए खींचिए खींचिए। सो ये है हमारे नितिन टाक व्लॉगर, मैं इनकी बना रही हूँ। सो एक व्यू मैं आपको देती हूँ, बहुत ही सुंदर पथरीला रास्ता और ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ हम गुफाओं घाटियों में आ गए हैं। अच्छा गाना गाया है इन्होंने, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। अभी आएगा किले पर, आपके फोटो खिंचेंगे किले को ऊपर लेते हुए। किले के ऊपर नहीं, किले के ऊपर नहीं, किला दिखेगा। किला ऊपर, आगे एकदम जेंट से दिखेगा। ओके, तो देखिए हमारे साथ साथ आप भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको भी एक व्यू दे रहे हैं ताकि आप घर बैठे इस ब्यूटीफुल पार्क को देख सके। अब तो इसके लिए ओपन हो गया। ओके, अब थोड़ी छाया हुई है तो अच्छे से कैप्चर हो पाएगा। तो देखिए दो तीन जने मिलके ही आइएगा, अकेले तो यहाँ पर खो जाने का डर है। मैंने इसमें वीडियो बनाना भी सीख लिया, क्लिक करना भी सीख लिया। बहुत बढ़िया। सो फ्रेंड्स आप नितिन की सेल्फी स्टिक मैंने ले ली है, कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत ही वियर्ड रिएक्शन था, तो अब हम अच्छे से सारा कैप्चर कर सकते हैं। देखिए और सूरज बिल्कुल सर भी चमक रहा है। आओ दवे साहब। तो अब हम अच्छे से सारी चीजें कैप्चर कर पाएंगे। यस देखिए पहाड़ी पहाड़ तो एक काट कर बनाया गया है टूरिस्ट के लिए। फिलहाल तो हमारे अलावा कोई दिख नहीं रहा है जबकि संडे है। तो कहते के साथ ही दिख गए हैं लोग। चले आगे। सो फ्रेंड्स इसी तरह का रास्ता है थ्रू आउट, तो कुछ भी आप डिफरेंट होगा तो हम कैप्चर करेंगे। तो चलते हैं आगे और रास्ता देखिए बहुत पथरीला है, तो हील्स पहन के तो बिल्कुल मत आइएगा। वेयर योर शूज, प्रेफरेबली स्पोर्ट शूज, तभी आप इस रास्ते को पार कर पाएंगे। तो चलते हैं, कुछ डिफरेंट होगा तो कैप्चर करेंगे। अच्छा तो ये हम चलते चलते पहुंच गए हैं, ये कौन सा फोर्ट है? मेहरानगढ़ का फोर्ट। वाओ, और वाकई इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल आउट हियर। पर वो चिड़िया विड़िया तो नहीं दिख रही है। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आया। तो गाइस जैसे कि बोल रहे थे बहुत सारी चिड़िया दिखेंगी बर्ड्स लवर्स को, तो ये लोग कह रहे हैं कि चिड़िया उड़ रही हो, मुझे लगा कि कुछ केजेस वगैरह या ऐसे होगा। सो कोई बात नहीं, बट स्टिल अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। तो गाइस इनके अकॉर्डिंग ये है शेर जो मुझसे डर रहा है। आप लोगों के शेर ऐसे ही होते होंगे फोटोज खिंचाने का, और उनकी फोटो नहीं खींच पा रही है क्योंकि मैं तो व्लॉग बनाने में बिजी हूँ। तो भाभी खींच देंगी। वो नहीं आ रहा है, वो देखो। अरे वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। आओ भैया। स्माइल, शेर आ गया आपका। शेर आ गया, चला भी गया, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। वाह। तो अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, इतना रास्ता पार कर चुके हैं। रोड तेज है,
हाँ भैया, सो भैया अब आगे क्या देखने को मिलेगा हमें? ये ब्रह्मपुरी हाँ बदमसर लेक, लेक तो सूखा लेक है कि पानी वानी है उसमें? पानी है, पानी है, पानी है, पानी भर के आया। चलिए बढ़िया है। और भैया आप यही पानी भर के आए तो गाइस देखिए आपका फ्री में एंटरटेनमेंट हो रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन किसी से भी पूछे जवाब ये दोनों ही दे रहे हैं कि सेल्स के हैं आगे करे भी क्या। सो भैया आप यही रहते हैं? आपका कितने टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 5 महीने। 5 महीने से? चलिए तो प्रीटी गुड टाइम। शुभ नाम आपका बना? किशन सिंह। किशन सिंह जी पूरा। सो इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। तो चलते हैं आगे और देखते हैं वो लेक जो भैया ने हमें बताया था। सो गाइस दिस इज मेहरानगढ़ फोर्ट और आगे से इसका एक क्लियर व्यू आपको देंगे। सो लेट्स मूव। आगे आओ। हाँ खींच लो फोटो। तो जैसा कि मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ रोपवे भी है ऊपर। ओह और तक तो गए गाइस। सो फ्रेंड्स यहाँ से जो फोर्ट है मतलब ऐसा लग रहा है आप किसी वंडरलैंड में आ गए हैं। धूप तो हो रही है पर अगर कैप्चर हो पा रहा है अच्छे से। सच अ पीसफुल प्लेस। वाह देखिए और मैं जूम करके बताती हूँ ये फोर्ट तो शाम को कितना सुंदर लगता होगा ये देखिए। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई फिल्म की शूटिंग इस शांति में हो रही हो। सो हियर यू कैन गेट अ क्लियर व्यू ऑफ दिस होल प्लेस एंड मस्ट विजिट प्लेस गाइस। सो व्हेनेवर इफ यू हैव अ प्लान टू कम हियर इन जोधपुर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस आउट हियर। आई होप आई एम एबल टू कैप्चर बिकॉज of the sunlight. Anyways, and here is the rope way. दिख रहे हैं आपको? ये कहाँ जा रहा है रोप वे? वहाँ वो जा रहा है किले में। ओके तो यहाँ से जो रोप वे है वो जाता है किले तक। तो ये भी फैसिलिटी है। बस मुझे लगता है अपने को शाम के वक्त आना चाहिए था। यहाँ पे हो गई बहुत सारी places. सो अब हम आगे जा रहे हैं पिक्स क्लिक करने के लिए। सो दूर कहीं मंदिर में से आवाज़ें आ रही हैं भजनों की और देखिए यहाँ से एक क्लियर व्यू आपको दिखेगा। सो जोधपुर के कई व्लॉग्स हम डाल चुके हैं गाइस, ऋग्वेद व्लॉग और फूड से रिलेटेड फूड व्लॉग। सेकंड और यहाँ पर बना हुआ एक छोटा सा मंदिर। तो ये कोई गुरुजी दिखते हैं लगता है ऐसी राय। और ये भी जगह अच्छी है फोटो खिंचाने के लिए। और लेक अभी आगे है अभी चलेंगे। चलो आगे आओ मैं पैदल। हाँ तो यही है वो लेक? यही है पदमसर लेक। पदमसा लेक पदमसर पदमसर लेक। तो ये है पदमसर लेक। वो सामने जो दिखा है वो है लक्ष्मी जी का मंदिर। ये जो मंदिर टाइप दिख रहा है जी करती हूँ मैं जूम। ओके तो लक्ष्मी जी का मंदिर है तो यहाँ थोड़ी जा सकते हैं अभी? जा सकते यहाँ से नहीं। हाँ, उधर से जाना पड़ेगा। और किले में भी नहीं जा सकते यहाँ से? इसका आधा पार्ट है आगे वो है रानीसर, ये है पदमसर। अच्छा दो लेक है। हाँ ओके सो गुड इन्फॉर्मेशन टू शेयर विद व्यूअर्स। और हवा इतनी बढ़िया चल रही है यहाँ पर रियली वेरी नाइस। सिंगोराई पॉल विजिटर सेंटर इसमें सारा लिखा है कहाँ कहाँ आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये आपको काउंटर पे ही मिल जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए कि अब क्या क्या इसमें बचा है क्योंकि वो चिड़िया तो अभी तक दिखी रही है हमको। जैसे कि उन्होंने कहा था कि ब्यूटीफुल बर्ड्स आपका वेट कर रही हैं अंदर। ये इधर से आए थे ना लेक के एकदम पास। और धूप में चमकता ये पानी वाकई बहुत ही सुंदर दृश्य है देखिए। सो यही नेचर है यही ब्यूटी है मेस्मराइजिंग। और अब कुछ लोग दिखे हैं तो देखिए कितनी दूर हम आ गए हैं और मुश्किल से 4-5 लोग ही हमें दिखे हैं जबकि संडे है जैसे कि मैंने बताया था।
रानी सर में, राणे सर में। ओके वहाँ चलते हैं ना। नहीं नहीं काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ नहीं जाना। तो चलिए कुछ स्नैप्स क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ जाके नितिन पोज कर रहे हैं। तो गाइज और भी जो हमारे व्लॉग्स हैं उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और बाकी चैनल जो हमारा है रेसिपीज़ का, सो इफ़ यू आर अ फूड लवर डू विजिट तड़का विद फ्रेंड्स। नितिन ने कुछ एक्सप्लोर किया है तो नीचे वापस चले, उससे पहले देखते हैं यहाँ का भी सीन। रियली टायर्ड। क्या क्या एक्सप्लोर किया तुमने? किले के अंदर झांकने का रास्ता। सो मेहरानगढ़ फोर्ट है बट अंदर यहाँ से नहीं जाया जा सकता, यहाँ पार्क की बाउंड्री है, जाना पड़ेगा इसको स्पेशली किले में। नहीं मैं नहीं आ रही, वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान है, बहुत बढ़िया। ये व्लॉग ज़रूर वायरल होगा कि जोधपुर के खिड़की के उस तरफ फोर्ट के पाकिस्तान है। वेरी गुड, इधर बैठो ना। सो फ्रेंड्स यहाँ आके ये पार्क हो जाता है एंड, और देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। तो अब हम जा रहे हैं वहीं से जहाँ से आए थे, और आप लोग भी ज़रूर से प्लान करिएगा और इस सीनिक ब्यूटी का आनंद लीजिएगा। सो मिलेंगे फिर यहीं तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड याद रखिएगा Life is beautiful. Yes. So we are going back. मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय।